हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप जरूर बताना। और कैसा घर में चल रहा है? कैसी छुट्टियां बीत रही हैं? कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो? कैसे सब लोग हैं? सब कमेंट में बताना। कमेंट पढ़ते तो अच्छा लगता है। और जो भी होता है आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे कद्दू लेके आए थे, ये 1 किलो है शायद, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और चाय पी ले, चाय साथ में कर ली है। और इसके बाद का मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको गांव की तरह बनाऊंगी, मतलब अमिया वगैरह डाल डूल के। किसको पसंद है बताना। और वैसे तो मैं डायरेक्ट छोंक देती हूँ, पर अभी मैं इसको उबाल के तब छोंकूंगी, तब तक मैं तैयारी कर लूँगी। और भी जल्दी बन जाता है, अभी जल्दी बनाना था, क्योंकि ये कभी कभार रात में गाड़ी ले जाते हैं ना। सॉरी, मैं बता बता रही हूँ अपने लिए। कहते नहीं है आप लोग, बोलते हो कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। ये बोल रहे थे कि मैं काम पे चला जाता हूँ, पीछे से क्या हो जाए कोई पता नहीं, हो तू सब कुछ बता देती है। मैंने तो कभी कभार चल जाते हो, जो भी आ जाते हो रात में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं ऐसा खतरा मोल ले रही हूँ, पर ये सही नहीं है ना, मुझे ये सब सोचना चाहिए। आप लोग बताते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद का नुकसान करके, परिवार का नुकसान करके, और ये बता के ये सही थोड़ा है। अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना चाहिए। जीभ से कुछ भी निकाल दो अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा हो जाता है। तो देखिए कद्दू उबल गया, इसको तड़का दे देंगे। वो बात कही नहीं, सही कही गई है ना, खुद के लिए मैं कुआं खोदती हूँ और खतरा मोल लेती हूँ। घर बैठे खतरा मोल लेना कोई मुझसे सीखे, ये वाली भूल जाती हूँ, पता है, याद करती रहती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। ये छोंक दिया सूखी मिर्ची और मेथी के दानों से। हमारे घर में कद्दू बैंग और मेन चीज़ क्या है, मैन से बोलती हूँ, क्या रोज़ रोज वही ला ला के रख देते हो? तो बोलते खुद लिया, क्या सब्जी लाए? बात हकीकत है, क्या सब्जी लाए? घूम फिर के वही सब्जी है। कोई नई डिश बनाओगे, कुछ भी ऑयल का होगा। वो उस दिन मैंने बनाई थी तो आप लोग कमेंट आया, कितना ऑयल खाते हो, कैसे खाया जाए कैसे नहीं। तो देखिए वीडियो है, वीडियो के लिए रेसिपी वगैरह बनानी होती है, सब करना भी होता है। और मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, कुछ कभी कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है, कल कमेंट आए थे, क्या तुम स्पेशल काम कर रही हो, सभी औरतें करती हैं, तुम अलग ही हो, दुनिया से अलग हो, खुद का काम खुद कर रही हो, तो उससे क्या। तो देखिए मैं तो अपना वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ, मैं किसी पे एहसान थोड़ा करती हूँ। सब अपना काम करते, अपने घर का काम खुद ही तो करोगे, दूसरा थोड़ा करेगा, बताइए। मैं अपना काम करती हूँ, बस मैं वीडियो बनाती हूँ, आप अपना काम करते हो, आपका घर में रहता है, सब अपना, सब लेडीज ये आदमी अपना अपना काम करते, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, सब काम करते। बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे ये सब बनाना अच्छा लगता है, बस यही फ़र्क है। सब काम करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं, कोई मैं स्पेशल काम नहीं करती। आटा गूंथ गया है, ढेर सारी बातें बातें, लेकिन पता नहीं क्या मेरे पास जितनी बातें हो ना, ऐसा लगता है आज ये बात कहूँगी, आज ये बात कहूँगी, तो थोड़ा हो जाता है। सच्चाई कभी कभी ना अपने पर ही भारी पड़ जाती है। तो चलिए ये बातें छोड़ते हैं। आलू के थोड़े से पराठे बना रही, उस दिन बनाए थे, इनका ही मन था तो मैं बना देती हूँ। पर ये आलू सही नहीं है, मतलब मुझे फ्रीज, इनमें मसाला मिला कर मुझे इनको फ्रीज में रखना पड़ा, तब टाइट हुए, तब मैंने इनको बनाया। गीले वाले आलू है, जो फसफसे आलू रहते हैं ना, मसाले डालने के बाद गीले ना होते हैं, वो आप लोगों ने देखा मेरी पूड़ी कचौड़ी पराठा आलू का मूली का किसी का नहीं फटता। पर ये कभी कभी आलू वैसे आ जाते हैं ना तो फट जाते हैं। मैं मिर्चियों को भून के इसमें डालती हूँ, प्याज डाला, बड़े मस्त करके मैंने पराठे बनाए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मिर्चियाँ खूब करारी हो गई हैं, हाथ से टूट जाएंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला, आटा गूंद के रख ही दिया है, और फिर आप देखो कितनी आसानी से मिर्ची टूट गई। ये हरी वाली मिर्ची है जो मैंने छत पे सुखा ली थी, बच जाती है, वो मैं धूप में रख देती हूँ। और प्याज में मिक्स किया, आलू ठंडे हो गए, तब भी ना गीले गीले हो गए, फिर मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो हो गया था। आपके भी आलू कभी हो तो फ्रीज में रख दो, हो जाता है। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी गर्मा गर्म पराठे सेक के। और इन लोग ज़्यादा नहीं बनाए थे, 4-5 ही पराठे बनाए थे, और रोटी बनाई थी भत्ते के साथ। लौंजी रखी है, 2-3 सब्जियाँ मेरी फ्रीज में रखी हुई हैं। लौंजी तो देखिए एक बार में नहीं खाई जाती है, उसको 2 दिन में 3 दिन में, पता है कल आंटी ने खाई थी, उनको तो 2 दिन से कॉलगेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो खट्टी होती हैं तो दांतों में लग जाती है। मेरे भी लगी, पर मैं इतनी नहीं लगी, पर लगती है, पता नहीं अब खट्टा नहीं खाया जाता है। नहीं तो पहले मैं लौंजी कितनी कितनी खा लेती थी, पर अब देखिए समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती है। तो वही है, यहाँ पे पराठे बना दिए, इनको दे दिए गर्मा गर्म। तो रोटी बन गई है, रोटियों को दबा दे रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है।
आज तो 50 डिग्री से ऊपर हो गया है। देखो बस यही करना, दो रोटी रखी थी सुबह की, कूलर भरने छत पे पानी डाल दिया यूँ, अब कूलर भरूंगी, सड़क पे भी पानी डाल दिया। और चलो छत पे चल रहे हैं, पानी पानी छत पे डाल लो, डाल कूलर भर लो तू। चलो ये लोग टीवी देख रहे हैं, ऊपर ही खाना खाएंगे, कूलर चलाते हैं, ये लोग जाए तब है। चलो बर्तन वर्तन सब धुली गए हैं, बस यहाँ पे कपड़ा मारना है। ये हो गया, बाद में करूँगी। चलो देखती हूँ नहा रही हूँ नहीं, कपड़े उतारूँ, वो बहुत लफड़ा हो जाता है, पर नीचे की तो ना सलवार ना मोहरी बंद है, उसको तो चेंज करूँगी। चलो बाद में मिलती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं छत पे पानी डाल रही हूँ, और ना छत पे पानी डालने से छत ठंडी हो जाती, पर जल्दी डाल दो तो, नहीं तो नीचे से ना सीलन सीलन गरम गरम सा निकलता रहता है। खूब अच्छे से पानी डाल दिया, फिर बाद में आके कूलर वगैरह भर देंगे, वाइपर मार दिया था छत, थोड़ा ये है छत पे सोते रात को तो राहत मिल जाती है, नहीं तो गर्मी के आगे बेहाल रहते। देखिए प्लीज़ आप सभी लोग से विनती कर रही हूँ, जैसे जिनके घर बड़े बड़े, हमारे यहाँ तो पेड़ लगाने की वो नहीं, आप लोग पेड़ लगाओ, पेड़ पौधों से कुछ नहीं, ज़मीन से पेड़ होते हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे पेड़ लगाओ। हाईवे वगैरह पे कितने पे पेड़ ही नहीं रहे हैं, तो पेड़ लगाना ये हम ही को करना है, हम अपने लिए कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर भर दे रही हूँ, छत पे छींटे दे ही दिए थे, पानी सूख जाता है बिल्कुल। चालू करके आऊँ टोटी, देखो छत सूख गई बिल्कुल। और कल कमेंट आया था आपके यहाँ 45 डिग्री, उसमें ही घबरा गए, हमारे यहाँ तो 50 डिग्री है। तो डियर यहाँ पे भी वही हाल है, 45, 56, 57, 58 ऐसे यहाँ पे भी वही हाल है सेम। चलो वो नीचे नहा रहे होंगे नल के पानी से, और बाल्टी भर गई, सुन रहे हो? अरे तो मुझे तो सोच रही आप हस वो कर रहे हो। चलो भर देती हूँ, गली में तो सब टहल रहे हैं। फिर कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, फिर मैं लेके आई पेप्सी की 2 लीटर की बोतल, ये 95 की आई थी और अभी महंगी हो गई है। फिर हम लोगों ने पेप्सी पी, काला नमक डाल के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं तो काला नमक डाल के ही, मसाला डाल के ही पीती हूँ। मैंने इनको भी दी पबोर, इतनी अच्छी लग रही है, एक गिलास और दे दे, बड़ी वाली लेके आई थी और सबने पी। सोना को तो थोड़ा डरते डरते ही मैंने दिया था, क्योंकि उन्हें नुकसान कर जाती है, पर था होता है ना कभी गर्मी में मन करता, देखो कितना छाप इनके में डाला, इनका तो पूरा गिलास से बाहर निकल गया, फिर चिपचिपा चिपचिपा हो गया, फिर मैंने पोछा लगाया और हम लोगों ने पी। और ना छत पर ही खाना खाते हैं हम लोग, गर्मी इतनी लगती है नीचे, घर खाना बना के तो ना घर में ऐसे लगता है हीटर चला दिए, तो रोटी वोटी बना के एडजस्ट फैन चला के छत पे चल जाते हैं, हाँ थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, ऊपर लिए लाओ ये ले जाओ, इसलिए ये बच्चों के लिए एक एक दो दो ड्रेसें लाई थी जो आपको अभी दिखाऊंगी, ये नहा के लोगों ने पहन लिए, गर्मी वगैरह में सही लगती है। दोनों ने बाल वगैरह धो लिए, देखो हेयर स्टाइल देखो, तो दोनों करके दिखा रही, बच्चे नहा धोले साफ़ सुथरे ना, आप टीवी देखे पढ़ाई करें कुछ भी करें बेफिक्र हो जाते हैं, और फिर अपना कैसे भी धीरे धीरे, वैसे तो अभी काम छुट्टियों में ना धीरे ही धीरे होता है। यहाँ पर गैस साफ़ कर दी, गैस का कपड़ा बर्तन पड़े हैं वो धोने, पूरी चिपचिपी हो जाती है ना, सर्फ के कपड़े को ना सर्फ लगा के साबुन लगा के स्लिप पे मार दो तो साफ़ हो जाती है, नहीं तो वो ऐसी चिपचिपी चिपचिपी रहती है। तो पूरे बर्तन धोए, स्लिप पे कपड़ा मारा और मेरा सारा काम फिनिश हो गया।
थोड़ी बहुत देर खाना खा के टहल लेती हूँ। अभी आप लोगों को पता है मैं डाइटिंग पे हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब योगा वगैरह कर रही हूँ। अब आप लोगों को बताना शरीर पे फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 4 बजे 5 बजे उठती हूँ, आप लोगों को बताया है मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो मैंने लाइव किया था और एक वीडियो बस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने बोला कुछ चीज़ें मंगाई थी। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आप लोगों को पता है ना पापा लेके जा रहे हैं, पापा लेके जा रहे हैं तो घूमने में क्या दिक्कत है। तो कुछ हल्के पूरे गर्मी लायक चीज़ें मंगाई थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहली मेन चीज़ अमेजोन पे, जी हाँ मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, कौन धूप में गर्मी में जाएगा। अमेजोन पे सेल शुरू हो गई है, बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से जाइए सेल का फ़ायदा उठाइए। फर्स्ट मैंने ये स्कार्फ लिया है, जो आप मुझे 2 दिन से ओढ़े देखे, बहुत ही अच्छा, चुन्नियाँ कितनी मोटी मोटी होती हैं। और ये स्कार्फ मैंने और भी लिए, हमारे यहाँ का रास्ता ख़राब है तो डिलीवर नहीं हो पा रहे, लेट होंगे, पर आप मुझे वीडियो में देख लेंगे। एक ही आप आया है, मैंने किए तो 5-6 हैं, पर ये एक आया तो मैंने बोला एक ही आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत सॉफ्ट है और गुदी में डाल लो पता भी नहीं चलेगा। और सेकेंड मैंने मंगाया है गर्मी के हिसाब से, ये इस तरीके का कलर, आप लोग बताना चटक तो नहीं है, इस तरीके का सिफोन, जारजट जारजट है ना, ये है जारजट साड़ी में है ना, हाँ ये बोले मैं नहीं जानती, जारजट का कपड़ा है। और ये देखो इस तरीके से है, ये कलर कैसा मुझे बताना, ये देखो। और इसकी इस तरीके की डिजाइन, ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है कपड़ा, ये देखो इस तरीके का छीक है। गर्मी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, समर के लिए आप लोग इसे कर सकते हैं। बाजू इस तरीके की है, कपड़े में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज रहती हूँ। फर्स्ट ये है, और एक्सल साइज में कौन सा साइज मंगाती हूँ, एक्सल साइज मंगाती हूँ, बड़ा ढीला ही साइज सही रहता है। और सेकंड मैंने फिर से ऐसे ही कपड़े में ये बंद कॉलर वाला, आप लोगों को वीडियो में पहने दिख जाऊंगी, मैं पहले दिखा दूँ। इसकी भी इतनी बाजू है, रबड़ पड़ी हुई है, आजकल यही चली रही है, फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया इस तरीके की। ये देखो इसके गला, यहाँ पे ये बटन लगे हुए, हुक भी है, और कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो ये भी लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग क्या घुटने तक है ये। इसका मैंने मंगाया सबके मैचिंग के, जो चल जाए, ये देखो इस तरीके का है, और इस पर इस तरीके की हल्की हल्की सी बूंदे हो रखती हैं। और आप कहेंगे भैया के लिए या जीजू के लिए कुछ नहीं मंगाया, तो मैंने मंगाया है उनके लिए, आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज यहाँ की सड़कें सीवर पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, तो इस वजह से। और मैंने बच्चों के लिए मंगाया है, सोना के लिए मंगाया, गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ नहीं, सोना वाला इस तरीके से, ए बंसु के लिए ही मंगाया, सोना के लिए भी, उन्होंने पहन भी लिए, वीडियो में मैं दिखा दूंगी। एक ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और एक ये, मतलब दो दो जोड़ी, और बच्चों ने पहन लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो और मैंने जो साड़ी ली थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, वो आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने वो साड़ी में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, साइड से उसकी सिलाई खुली हुई थी, मत करो, ये वंशु के साथ ही जीन्स का ये चड्डा टाइप का आया थी, वो साड़ी पे थोड़ी सी किनारी मुझे सही नहीं लगी, धागा निकल रहा था, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और नेक्स्ट साड़ी मंगाई है, वो मैं अगली उसमें दिखा दूंगी, अभी आया नहीं है सामान, तो इस वजह से जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे दिखा दूंगी मैं। आप लोग कहते रहते हो कभी शॉपिंग वगैरह का दिखाओ, और देखो हाल, सारा काम धंधा छोड़ के मैं इनमें लग जाती हूँ, इनमें लग जाती हूँ, ये भी चीज़ें ज़रूरी है ना। और भी मंगाया, जाना है 2-3 जगह जाएंगे, तो आप लोग पता है मंदिर वगैरह, तो इस वजह से साड़ी भी रखे ले जाऊंगी, ऐसा नहीं, पर साड़ी में ना चल नहीं पाते, चढ़ाई बहुत होती है, तो इस वजह से। तो चलिए, आप लोगों को इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप वहां से ले सकते हैं। देखिए कोई भी रिटर्न में पसंद नहीं आता, रिटर्न में दिक्कत नहीं होती है, और जिससे आपने पेमेंट किया होता है उसमें आपका पेमेंट आ जाता है, पसंद नहीं आए रिटर्न कर दो।
आप लोगों ने देखा हो दुकान पे एक दो बार से ज़्यादा रिटर्न करने जाए तो कैसे चिक चिक करते, पर ऑनलाइन में नहीं, जितने बार और रिटर्न करो कर सकते हो। समर सेल चालू हो गई है, डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत सारे ऑफर चलते रहते, तो जल्दी से जाइए। अमेजोन डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करिए, अकाउंट बनाइए और ढेर सारी शॉपिंग करिए। और मेरे इन सब प्रोडक्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए बाय।